जीवन आपके हाथ। चलाओ बचाओ, चलाओ बचाओ, ये लड़ाई है। मेरा जीवन आपके हाथ। चलाओ बचाओ, चलाओ बचाओ। आज हमारी मांगे ये थी कि पिपलाहना तालाब का पूरा वास्तविक स्थिति का पर्दाफाश किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इंदौर अभिभाषक संघ और पिपलाहना रहवासी संघ और यहाँ के सामाजिक कर्ता कार्यकर्ताओं का यह प्रतीक धरने के रूप में जवाबड़ा है, और जो तालाब में जो ठेकेदार कार्य कर रहा है और PWD के लोग देख रेख में मोटर वहाँ से पानी के लिए निकाल रहे हैं और तालाब की जगह में पानी निकालने के लिए मोटर लगाई गई है और सीमेंट की बोरियां रखकर बहाव को रोका जा रहा है, और जो पाल बनी बनानी थी वो पाल न बनाते हुए पक्की सड़क टाइप दीवार खड़ी की जा रही है, और तालाब के क्षेत्र में जो वास्तविक स्वरूप है वो साफ दिख रहा है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हम कल इंदौर अभिभाषक संघ की जनरल सभा होगी जिसमें यह युद्ध स्तर पर मामला रखा जाएगा, और जनप्रतिनिधि भी इस मामले को गंभीरता से लेके मैदान में आ गए हैं। पूरे शहर को आंदोलित किया जाएगा, या तो तालाब को हम बचा पाएंगे या हम फैसले तक लड़ाई जारी रखेंगे। हम करीब संघर्ष समिति हमारी है पिपलाहना तालाब बचाओ समिति। लगातार हम 23 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन किया गया। सारे जो आंदोलन के तरीके वो हमने प्रजातंत्र में जो तरीके हो सकते थे वो सारे हम अपना चुके हैं। सभी अधिकारियों, जिम्मेदार व्यक्तियों को, जनप्रतिनिधियों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सभी को हम लेटर लिख चुके हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से ये बात कहनी पड़ रही है कि किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और ये आपके सामने पिपलाहना तालाब जो 100 वर्ष पुराना है ये दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे यहाँ पे इंदौर अभिभाषक संघ के सारे सदस्य पदाधिकारी पधारे, हम लगातार हमने सिग्नेचर अभियान चलाया, लेटर सबको लिखे, सब लोगों से हम मिले, कमिश्नर से मिले, कलेक्टर से मिले, इसके बाद में हम मुख्यमंत्री से मिले, अब हम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाने मानव श्रृंखला बनाई हमने, प्रधानमंत्री से मिलने और राष्ट्रपति मिलने की योजना हम बना रहे हैं, और साथ में हमारे जो इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्यगण हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, जैसा ये क्योंकि कानून के ये जानकार हैं, सामने कानून का उच्च न्यायालय और बड़े बड़े ठेकेदार और मल्टी माफिया यहाँ पे हैं, तो हम इनके सानिध्य में रहकर आंदोलन को मूर्त रूप देंगे।